न जाने कब दोस्त कब ये दुश्मन बन जाते हैं सियासत वाले। ऐसे ही अपनी औकात आजमाते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रातों रात में। रातों रात में मैं एक ऐसी खबर के साथ आपको लेकर के जोड़ रहा हूँ जो खबर आपके जहन में पिछले 24 घंटे से लगातार बार बार स्ट्राइक कर रही होगी। क्यों स्ट्राइक कर रही होगी ये आप भी जानते हैं। चुनावी साल है और चुनावी साल में जैसे जैसे समय नज़दीक आता जा रहा है चुनाव का, सरगर्मी बढ़ती जा रही है। जब आप ये खबर सुन रहे होंगे तब तक बिहार की तपिश काफ़ी बढ़ गई होगी। हालांकि मौसम के मिजाज में बदलाव आया है पर बिहार की राजनीति में उबाल बड़ी तेज है। आपने कुछ दिन पहले, आज से लगभग 60-70 दिन पहले, देश के प्रधानमंत्री के कहने पर ताली थाली लोटा गिलास जो भी आपके पास था, डमरू झाल ढोलक सब आपने बजाया। आज भी आप वही बजाएंगे पर इस बार अब प्रधानमंत्री के कहने पर नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष जो बिहार विधानसभा में है तेजस्वी यादव, उनके कहने पर बजाएंगे। हालांकि आप लोग बहुत सारे लोग बजाएंगे, बहुत सारे लोगों का आपत्ति भी है इसको लेकर के, बहुत सारा जबरदस्त का एक दूसरे में द्वंद छिड़ा हुआ है। कौन कितने पानी में है ये आजमाने का वक्त आ गया है। पर इन सब के बीच कहा जाता है कि कोस कोस पर बदले बानी और छान कर पीजिएगा पानी। पानी में भी आर्सेनिक हो गया है तो बताइए ना कि राजनीति में इन 7 दशकों के बाद कैसे वायरस नहीं फैलेगा। राजनीति का एक बहुत बड़ा ककहरा है, वो ककहरा राजनीति के लोग ही कहते हैं कि ना कोई अस्थाई दोस्त होता है ना कोई अस्थाई दुश्मन होता है। जो दोस्त होता है वो कब दुश्मन बन जाएगा, कब आपकी औकात को नापना शुरू कर देगा और कब आप उसके औकात को नापने लगेंगे, ये सब बातें होने लगती हैं। इन सब बातों के बीच में कहीं ना कहीं एक बात तो तय नज़र आती है कि ये जो चुनाव हो रहा है 2020 का, जिसकी तैयारियां लगभग हो चुकी हैं और चुनाव आयोग की तरफ से भी ये बातें अब लगभग तय मानी जा रही हैं, जिस तरह की सरगर्मियां पड़ी हैं, जिस तरह की खबरें हम तक आ रही हैं, उसने ये तस्दीक किया है कि चुनाव अपने नियत समय यानी अक्टूबर नवंबर के बीच हो जाएंगे। क्योंकि नवंबर का अंतिम जो सप्ताह होगा उसी समय तक कार्यकाल नीतीश कुमार जी का और इस विधानसभा का है। इन सब के बीच में लगातार नीतीश कुमार को लेकर के कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। नीतीश कुमार को लेकर के जहां उनके विरोधी तो उनका विरोध कर ही रहे हैं, उनके साथियों में भी कई तरह के रंग रस नजर आए होंगे आपको। शुरुआती दौर में भारतीय जनता पार्टी के बहुत से ऐसे नेता हैं जो लगातार नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे थे, उनके शासन सुशासन और उनके क्रिया शैली को लोग टारगेट कर रहे थे। लेकिन जो घटनाएं कल घटी, 2 दिन पहले से घटती आ रही हैं, उसमें तो उन्हीं की पार्टी के सांसद महोदय धरना पर बैठ जाते हैं अपने ही सरकार और अपने ही प्रशासन के खिलाफ। गया में जो घटनाएं घटी उसे लेकर के कहीं ना कहीं अब विपक्ष पूरी तरह से सरकार के उस फैसले को लेकर के कि सुशासन है, न्याय के साथ विकास हो रहा है, सुशासन बाबू है नीतीश कुमार और अपराध पर जीरो टॉलरेंस है, उन सब बातों को लेकर के कटघरे में खड़ा कर दिया और प्रमाण देने लगा है कि हमारे शासनकाल को, तेजस्वी यादव का कहना है कि हमारे शासनकाल को तो हुजूर आप जंगल राज कहते थे, अब ये क्या है। 2 दिन पहले भी तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर टारगेट करते हुए और नीतीश कुमार पर हमला कर दिया। आपको याद होगा कि सबसे पहले भारत लाइव में वो खबर दिखलाई थी जिसमें ADG ने ये बातें कही थी कि 38 जिलों के DM और SP से उन्होंने बात किया और संभावना व्यक्त करने लगे थे कि कहीं ना कहीं ये जो प्रवासी लोग आए हैं बिहार में, जिन्हें प्रवासी मानने के लिए तैयार नहीं है नीतीश जी, कुछ अलग नाम देना चाहते हैं। उनका कहना है कि इस देश में किसी भी राज्य में जाने वाले को प्रवासी आप कैसे कह देंगे, जबकि यह शब्द उन्हीं का कहना था और इसको लेकर के हमने खबरें भी चलाई थी जो तेज प्रताप यादव लगातार उन पर हमला किए थे। कई बार प्रवासी शब्द का प्रयोग उन्होंने किया था, उसका भी उन्होंने तस्दीक किया और उन्हीं के लिखे हुए शब्दों को कोट करते हुए तेज प्रताप यादव ने जम करके हमला किया। इन सब के बीच जब विजय मांझी यानी विजय कुमार जो सांसद हैं गया से
नीतीश कुमार के पार्टी से हैं, और उनके द्वारा जब धरना प्रदर्शन किया गया तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या होगा। हमारा अनशन पे बैठ गए थे और उनका कहना था कि प्रशासन उनकी बात नहीं सुनती है। अब आप मान के चलिए कि जो बातें नीतीश कुमार जी पर उठाई जाती है कि बहुत सारे ऐसे आईएएस अधिकारी हैं, बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी हैं जो नीतीश कुमार के सत्ता को चला रहे हैं, नीतीश कुमार उनके द्वारा सरकार चलाते हैं और अपने अनुसार वो अलग अलग विभागों को भी चलाते हैं। सुशील मोदी और नीतीश कुमार का जो ये जोड़ी है, गठजोड़ है, इस गठजोड़ के कुनबे में पूरी तरह से आग धधकने लगी है, और आग किसने धधकाया ये आप सब जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, हम आपको बताएंगे कि अब लालटेन को रोशनी कहाँ से मिल रही है। आप तो लगातार सोच रहे होंगे कि महागठबंधन में तो बड़ी फुटमत है। एक दिन पहले जो उनके विरोध में खड़े थे वो जीतन राम मांझी भी अब मानने के लिए तैयार हैं कि नीतीश कुमार को छोड़िए, अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि हम संन्यास के लिए भी तैयार हैं, हमारी उम्र हो गई है 75 के बाद सभी राजनेताओं को संन्यास ले लेना चाहिए। ये भी खबरें हमने आपको दिखाई है। लेकिन जिस खबर को लेकर के हम आए हैं आपको कि आखिर बाप पर पूत पिता पर घोड़ा और कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा, तेजस्वी यादव बहुत दम के साथ कहते हैं और बहुत गंभीरता के साथ कहते हैं कि उन जिस घर में उन माता और पिता दोनों राजनीति के ककहरा सीखे हों, इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हों, बड़े बड़े पदों पर रहे हों, उसके घर में राजनीति नहीं तो और क्या जन्म लेगा। वो तो बहुत शुरू से कहते हैं कि शेर के बच्चे को शिकार नहीं सिखाया जाता है, इसलिए राजनीति उन्हें कोई मत न पढ़ाए। बचपन में जन्म से लेकर के बच्चा थे तब से लेकर के राजनीतिक माहौल ही उन्होंने देखा है अपने घर में। बड़े बड़े राजनेताओं का आना जाना था, बड़े बड़े राजनेताओं की बातें सुनते थे और उनकी पढ़ाई लिखाई राजनीति की ही है। इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं जो जदयू की तरफ से हमला किया जा रहा है कि ये साल भर बैठ करके मटरगश्ती करते हैं। आपने सुना होगा कि अजय आलोक क्या कहते हैं। अजय आलोक ने कहा है कि हम पढ़ाई करते हैं और ये मटरगश्ती करते हैं, जब परीक्षा आता है तो ये पढ़ाई शुरू कर देते हैं और उसी पर पास होने की बात करते हैं। इनको कौन पास कराएगा, जनता इतनी मूर्ख थोड़े है कि इनको पास करा देगी। 2015 में क्या हुआ था, अजय आलोक शायद ये नहीं भूल गए हैं। अब स्थिति ये है कि बिहार की जनता के मन मिजाज को भांपने के लिए बार बार जैसे पानी में कंकड़ डाल करके लहर का पता चलाया जाता है, उंगली डाल करके एक चावल से पता किया जाता है कि चावल पका है कि नहीं पका है, उसी तरह से अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने कंकड़ फेंक करके पानी के हलचल को और तस्वीर पता करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच में एडीजी का जो चिट्ठी था उस चिट्ठी ने बवाल मचा दिया। उन्होंने इस बात को लेकर कि प्रवासी लोग 25 से 30 लाख के आसपास आ गए हैं अभी और आने बाकी हैं, अगर इन लोगों को काम धंधा नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से ये अनैतिक काम करेंगे, खबर हमने आपको दिखाया ही था। अगर नहीं देखा है तो पीछे जाके देख लीजिए, सबसे पहले भारत लाइव ने उस खबर को चलाया था। अब उस खबर की चिट्ठी जो है फाड़ करके राहुल अवतार में तेजस्वी यादव ने चैलेंज कर दिया है। आपको याद होगा कि एक चिट्ठी राहुल ने फाड़ी थी जिसके कारण आज भी लालू प्रसाद यादव जेल में है, राजनीतिक रूप से वो अक्षम हैं, सक्रिय राजनीति में उनकी भागीदारी नहीं हो सकती है। वो अध्यादेश फाड़ा था राहुल ने, राहुल गांधी ने उस अध्यादेश को फाड़ करके तब लालू प्रसाद को बहुत गुस्सा आया था। लेकिन क्या कर सकते हैं, राजनीति है, लोकतंत्र है, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ बातें आती हैं। लेकिन जिस तरह से हम आपको बता रहे थे कि आखिर लालटेन की रोशनी कौन बढ़ा रहा है, किसे चाहिए चिराग, निश्चित रूप से चिराग पासवान निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लालटेन की लौ को थोड़ा बढ़ा रहे हैं। वो लगातार नीतीश कुमार को अपना नेता मानने से इनकार कर चुके हैं। इस बात को लेकर के नीतीश कुमार भले ही इस बात को माने या न माने, इस पर तवज्जो दें या न दें, पर सुशील मोदी को अचानक से झटका लगा और 1000 वार्ड से भी ज़्यादा बड़ा झटका उनको लगा और उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया, बिना किसी से राय मशवरा किए हुए सीधे घोषणा कर दिया कि नीतीश कुमार ही कैप्टन हैं और नीतीश कुमार के समकक्ष कोई नेता बिहार में नहीं है। आप समझ सकते हैं कि वो कुर्सी है जो नीतीश कुमार के बगल में लगती है और उसी कुर्सी की लड़ाई सुशील मोदी लड़ रहे हैं। सुशील मोदी को मुख्यमंत्री नहीं बनना है।
न भारतीय जनता पार्टी के किसी को मुख्यमंत्री बनने देना है और न उस कुर्सी की तरफ कोई देखेगा तो उसे देखने देना है। चिराग पासवान शायद उस कुर्सी की तरफ अपना तेजी से कदम बढ़ा रहे थे और ये मंजूर कैसे सुशील मोदी को हो सकता है? सुशील मोदी को जब नीतीश कुमार के बगल वाली कुर्सी पर तेजस्वी यादव आकर के बैठ गए तब तो उन्हें बर्दाश्त हुआ नहीं था। नीतीश कुमार के बगल वाली कुर्सी पर जब अशोक चौधरी आकर के बैठ गए और बाएं साइड में और दाएं साइड में संजय झा आके बैठ गए, एक दलित और एक सवर्ण नेता बैठ गए, वो तो उन्हें बर्दाश्त ही नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत फरमान भेज दिया और अपने देखा होगा कि आरसीपी सिंह और ललन बाबू दोनों आदमी पहुंच गए। अशोक चौधरी की कुर्सी एक कुर्सी के बाद हो गई और संजय झा की कुर्सी का तो शायद पता नहीं, आरसीपी फिर अपनी कुर्सी पर विराजमान हो गए। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि सुशील मोदी पूरी तरह से फिर से भजन भक्ति में लग गए हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए वो नीतीश के बगल वाली कुर्सी कि अगर कुछ होता है ऊंच नीच तो फंसेंगे नीतीश कुमार। आपने देखा होगा कोरोना संकट के दौरान ही पूरा दुनिया, पूरा बिहार, बिहार के प्रवासी से लेकर के बिहार के रहने वाले लोग तक, विपक्ष तक सारे हमला कर रहे थे नीतीश कुमार पर, जबकि विभाग का संचालन भले मंत्री हों मंगल पांडे लेकिन चलाता कौन है ये दुनिया जानती है, सुशील मोदी चलाते हैं। और सुशील मोदी चुपचाप से बैठ करके मंद मंद मुस्करा रहे थे और गुणगान गा रहे थे योगी का और फेरा में फंसे हुए थे नीतीश कुमार। जैसे ही नीतीश कुमार ने घोषणा की कि हम प्रवासियों को नहीं ला सकते हैं, फट से उन्होंने बोला कि हाँ जी हम नहीं ला सकते हैं। जैसे नीतीश कुमार ने कहा कि हम ला सकते हैं, उन्होंने कहा कि हाँ हाँ हमने बात कर लिया है हम ला सकते हैं। आप समझ रहे हैं कि फंसे तो नीतीश कुमार और उबर जाएं तो सुशील मोदी। वो कुर्सी भारतीय जनता पार्टी चाहे वो अपना कोई मुख्यमंत्री कैंडिडेट भी दे दे तो धोने नहीं देंगे सुशील मोदी। और यही कारण है कि चिराग पासवान ने जैसे ही लालटेन की लौ बढ़ाई वो कुर्सी मेन है और उसी कुर्सी की लड़ाई है। सुशील मोदी ने जब तक वो जिंदा हैं तब तक वो चाहते हैं कि उस जो सेकंड नंबर की कुर्सी है उस कुर्सी पर दूसरा कोई नहीं आए और इसी की मुख्य लड़ाई है। देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से चिराग पासवान ने पहल किया है और नीतीश कुमार पर उन्होंने हमला किया है, नीतीश कुमार के शासन सुशासन पर तो पहले से हमला करते आ रहे हैं, नीतीश कुमार के मनसा पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और ये सवाल जवाब का जो दौर चल रहा है आप समझ सकते हैं कि चुनाव को लेकर के चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चिराग पासवान को वो कुर्सी नज़र आ गई है जो आने वाले 2020 के चुनाव में चिराग पासवान के आने वाले भविष्य को बहुत मजबूती से स्थापित कर देगी। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि आप समझ रहे हैं कि लगातार दो बातें सामने आ रही हैं, नीतीश कुमार भी बगल में एक दलित को बैठाते हैं और दूसरे बगल में एक सवर्ण को बैठाते हैं। अगर कोई स्थिति ऐसी बनती है आने वाले 2020 के चुनाव में, कोई ऐसी संभावना बनती है तो बंगले की चाबी जिस तरह से वो अपने उनके पिता रखा करते थे नीतीश कुमार के कुर्सी का, जिस घर में जिस सत्ता के लिए वो कुर्सी की चाबी लेकर के घुमा करते थे, हो सकता है कि चिराग पासवान को भी शायद वो कुर्सी और उसकी चाबी दोनों नज़र आ गई हो और यही कारण है कि वो लगातार नीतीश कुमार पर हमले भी कर रहे हैं। हो सकता है ये प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो लेकिन फ़ायदा इससे सीधी तौर पे तेजस्वी यादव को हो रहा है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकते हैं। समय आने पर बदल भी सकता है विचार, क्योंकि न कोई अस्थायी दोस्त होता है न कोई अस्थायी दुश्मन होता है, ये बात तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं और राजनीतिक लोग इस बात को मक्खन की तरह चाटते रहते हैं, ताबीज़ की तरह पहन करके रखते हैं कि जब ज़रूरत हो उसे उतार दिया जाए और जब ज़रूरत हो उसे पहन लिया जाए। आपको याद होगा कि सिर्फ जात बदलती है, धर्म बदलता है, नाम वही रह जाता है। एक कहानी है जो आप लोगों को अगले एपिसोड में ज़रूर सुनाऊंगा कि आखिर कैसे धर्म बदलने से भी नाम नहीं बदलता है। इतना जरूर समझ लीजिएगा कि बिहार की राजनीति में सत्ता बदल जाएगा पर आपके भाग्य को बदलना आपके हाथ में है। प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, कैसे बनेंगे ये आपको सोचना है। सरकार तो बनती है और बिगड़ती रहेगी, सरकार अपना काम करती रहेगी, पर आपके लिए कौन सोचता है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उस सोचने वाले व्यक्ति को खोजना आपकी जिम्मेवारी है। कहा यह जा रहा है कि युवाओं के हाथ में नेतृत्व होना चाहिए, कौन युवा आपके नेतृत्व को आगे बढ़ाएगा ये भी एक बड़ा प्रश्न है। युवाओं की एक बड़ी टोली आपके सामने खड़ी है, चाहे आप
तेजस्वी यादव का नाम ले लें, चिराग पासवान का नाम ले लें, माधव आनंद का नाम ले लें, अभिषेक झा का नाम ले लें, पप्पू यादव का नाम ले लें, बहुत सारे ऐसे नाम फहरिस्त में शामिल हैं जो लगातार तैयार हैं। कई पार्टियां आपके सामने आकर के अपने अपने हिस्से का योगदान देने के लिए कह रही हैं। प्लूरल्स भी एक नई पार्टी आ गई है। प्रशांत किशोर ने तो साफ कह दिया है कि उनका लक्ष्य बिहार है और बिहार के लिए उन्हें सत्ता और पद की ज़रूरत नहीं है, बिहार का विकास करने के लिए वो लग चुके हैं और इस बिहार को युवाओं के माध्यम से विकास करवाएंगे। कैसे करवाएंगे ये वक्त बताएगा, चूँकि 1 करोड़ का लक्ष्य उनका था, वो लक्ष्य के कहाँ तक पहुँचे हैं वो भी जल्दी ही खुलासा हो जाएगा। पर एक बात तो तय नज़र आ रही है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार के लिए और सुशील मोदी के लिए रास्ता जितना आसान और सरल नज़र आ रहा था वो नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने लालटेन की लौ बढ़ा करके मन में संशय जरूर पैदा कर दिया है और यही कारण है कि छटपटाहट नीतीश को कम हो सुशील मोदी को ज़्यादा हो गई है। लेकिन इसके पीछे एक और भी बात है कि सुशील मोदी वो शख्स हैं जो 2015 में हारी हुई बाजी को 2 साल के अंदर ही पलट देते हैं। देखना होगा कि दोनों मिलकर के किस तरह का गेम चेंजर प्लान लेकर के आते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा गठजोड़ बना ले, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, आशुतोष कुमार, पप्पू यादव, कांग्रेस, राहुल गांधी, जो भी बना लें, पर सीधी तौर पे ये दोनों धुरंधर जो लालू प्रसाद की अनुपस्थिति में बिहार को डोमिनेट कर रहे हैं, इनके हाथ में कौन सा सगुफा है ये भी जानना बहुत ज़रूरी। हम टोह में लगे हुए हैं कि आखिर कौन सा ऐसा घुट्टी है, कौन सा ऐसा समीकरण है। सोशल इंजीनियरिंग तो लगभग फेल मान के चलिए, क्योंकि ये 50 लाख जो लोग लौट करके आए हैं ये बहुत बड़ा गेम करेंगे और जिस तरह का गेम होता आप दिख रहा है, चिट्ठी फाड़ी है तेजस्वी यादव ने, ये बात जरूर दर्शाता है कि क्या होगा। हालांकि आज माहौल बहुत गर्म रहने वाला है और आज आपको पता ही है कि क्या कुछ होगा। आज एक तरफ जहां अपने आप को या उनकी पार्टी के द्वारा इस देश के आधुनिक राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबसे बात करेंगे, वहीं उनको भगाने के लिए ताली थाली बजाया जाएगा। आपने दिवाली के समय में देखा होगा कि एक तो बड़ी परंपरा है बिहार में, वो है कि दिवाली से पहले दलिदर खेदा जाता है, उसके लिए लोग सूप वगैरह बजा करके क्या क्या करते हैं। लेकिन उसी को लेकर के कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने ताली थाली बजाने, गिलास लोटा छिपा थरिया जो आपके घर में हो, चूँकि कोरोना में तो लगभग सब लोगों का सब कुछ बिक गया होगा, ये तेजस्वी यादव का उनकी टीम का मानना है कि आपका तो सब कुछ बिक चुका होगा चूँकि सरकार ने आप तो आपकी मदद की नहीं है, तेजस्वी यादव सबके पास पहुँच नहीं पाए हैं, तो जो भी आपके घर में बचा हुआ होगा छिपा लोटा थारी गिलास चम्मच जो भी मिला होगा ढेला ईंटा जो भी होगा बजाइएगा ज़रूर और बजा करके उनका साथ दीजिएगा, क्योंकि परिवर्तन करना चाहते हैं, गरीबी भगाना चाहते हैं, गरीबों को रखना चाहते हैं और रोज़गार के लिए नया एक रास्ता अपनाना चाहते हैं। अब देखना होगा कि अमित शाह और तेजस्वी यादव के आमने सामने टक्कर में क्या परिणाम लेकर के आता है। हमारी नज़र पूरी बनी रहेगी, पूरे दिन हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, हमारे अलग अलग रिपोर्टर्स अलग अलग जगह से आपको खबरें पहुंचाते रहेंगे। लेकिन रातों रात में आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, आज का एपिसोड कैसा लगा, क्या आपको लगता है कि चिराग लालटेन की रोशनी बढ़ा पाएंगे, और रोशनी बढ़ाएंगे तो क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो बिजली की बात करते हैं और बिजली में बहुत सारा खेल हो रहा है, हम बिजली विभाग के कर्मचारी से भी आपसे बात कराएंगे बहुत जल्दी, उनको लेकर के आ रहे हैं पुनः कि आखिर बिजली का खेल केंद्र और राज्य सरकार किस तरह से खेल रही है, किस तरह से आपके सर पे एक और भार देने जा रही है, इसका भी खुलासा जल्दी करेंगे। ये सब तो होता ही रहेगा, लेकिन आज पूरे दिन आपके लिए चटकारे लेकर के अमित शाह को सुनने की ज़रूरत है और तेजस्वी यादव कितना ज़्यादा खदेड़ने में कामयाब होते हैं ये भी देखने की ज़रूरत है। जुड़े रहिएगा और कमेंट में ज़रूर अपनी बात रखिएगा, क्योंकि वही तो हमारे लिए सबसे बड़ा अमृत है, वही हमारी ताकत है। आप कमेंट में कुछ लिखते हैं तो हमें हमारा उत्साह वर्धन होता है और हम और कुछ आपके लिए पढ़ करके लिख करके शोध करके खोज के ढूंढ के भीतर तक जा करके लोगों के राजनीतिक दल के नेताओं के अंदर घुस करके दिल में बैठ करके और उनसे अलग अलग बातें उगलवाते हैं निकलवाते हैं। हम तो इसीलिए हैं कि आपकी बातों को सरकार तक पहुंचाएं और सरकार की बातों को आप तक पहुंचाएं। विपक्ष क्या कर रहा है, आपके हक हुकूक की बात, हक की लड़ाई हम लड़ने के लिए तैयार हैं।
मिलते हैं फिर, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।